हेलो एवरीवन, सो सभी मुझे अक्सर पूछते रहते हैं कि आपके केस में आगे क्या हुआ। तो जो लोगों ने मेरे इंटरव्यू को नहीं देखा है, आई वॉन्ट टू टेल एवरीथिंग इन डिटेल फ्रॉम द बिगनिंग। आई फाइल्ड सेक्शुअल हरासमेंट केस अगेंस्ट माई प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी, माई ऑपरेशन हेड सोहेल रवानी एंड माई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज। इसकी एक लंबी स्टोरी है, तो जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं पूरा एक बार डिटेल बोलना चाहती हूँ। So I was working in Tarak Mehta Cold Chashma since 2008 till 7th of March 2023. मैं पहले तो ये बता दूँ कि इनिशियली कोई ऐसा इशू नहीं था। टिल 2019 there was no issues. 11 years there was not something big that happened. Of course, the जो production house है उनका अपना एक lookout है, एक अलग तरीका है सबको handle करने का। इस तरीके से वो सबको handle करते हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं ऐसे कोई मैंने सोचा नहीं था कि मैं सडनली एक दिन यहाँ से तारक मेहता से निकल जाऊँगी, बट सर्कमस्टेंसेज मेड इट हैपन बिकॉज ऑन 7th of March 2023 इट वॉज माई मैरिज एनिवर्सरी एंड होली थी हमारी, दुल्हन थी जिस दिन हम होली खेलते हैं। तो मैरिज एनिवर्सरी वॉज ओके कि ठीक है, मैं तो रात को भी पहुँची, 9 बजे भी घर, तो आई विल हैव डिनर विद माई हस्बैंड हो जाएगा। बट माई डॉटर वॉन्टेड टू प्ले विद मी ऑन होली एंड इस चीज़ के कारण मैंने उन वहाँ पर जो है हमारे डायरेक्शन टीम उनको बता दिया था कि मुझे कल आधा दिन चाहिए है। पहले तो ये लग रहा था छुट्टी होगी, लेकिन बिकॉज सडनली गवर्नमेंट का आया कि उस दिन यू नो उन्होंने हॉलीडे अलग दिन डिक्लेयर कर दी, तो और इन लोग ने तारक मेहता में शूट रख दिया। तो मैंने बोल के रखा था कि बिकॉज इट इज़ होली, आई वॉन्ट टू प्ले होली विथ माई डॉटर, सो आई वॉन्ट हाफ डे ऑफ। तो मुझे बोला गया था वो तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ऐसे सब प्रोमिसज करके। अगले दिन जब मैं गई तो वहाँ पर ऐसे कुछ नहीं हुआ, मतलब मैंने एक ज़बरदस्ती का भलता ही सीन डाला था, जो अगले वो 10 दिन बाद भी करते तो वो चल जाता, बट दैट इज़ अ सेडिस्टिक मेंटेलिटी बिकॉज दे हैव के पूरा पैसा एक दिन में वसूल करें, पहले कभी जो आगे कभी सीन है वो अभी भी डाल दें, उनको कोई मतलब नहीं कोई सफ़र कर रहा है क्या कर रहा है। सो दे टोल्ड मी के नहीं, अभी आज नहीं हो पाएगा आपका जाने का। मैंने बोला मुझे प्रॉमिस किया गया था कि आप मुझे जाने दोगे, बोले नहीं। मैंने सब डायरेक्शन टीम के जितने जन हैं 3-4 जन उन सबको बोला, तो सब ने मुझे मना कर दिया कि नहीं नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने उनको बोला मेरा क्लोज छोड़ दो आप, बोले नहीं। मैंने बोला मेरा आप मुझे कल बुला लो, नहीं। मैंने बोला अभी मैं 2 बजे आ जाती हूँ 2 घंटे में लौट के, नहीं। हर चीज़ नहीं। तब फिर मैं मतलब बहुत देर तक मैं गिड़गिड़ाती रही, बहुत रोती रही। मैंने बोला यार अगर मैं 15 साल से सीरियल में काम कर रही हूँ, उनके लिए इतना कंसिडरेशन नहीं है कि आप 2 घंटा मुझे मेरी बेटी के साथ होली खेलने जाने दो, तो इट्स नॉट वर्थ इट। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आई टोल्ड माई हस्बैंड, ही सेड कि जेनी तुम वापस आ जाओ। मैंने कहा इन लोग मेरा पैसा रोकेंगे, बोले रोकने दो। मैंने बोला इन लोग रिप्लेस करेंगे, बोले करने दे। एंड आई केम, आई टोल्ड द डायरेक्टर हर्षद जोशी कि सर मैं जा रही हूँ, अगर मैं रुकी 1 मिनट भी और तो आई विल कमिट सुसाइड। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई वाज लीविंग, अबाउट टू लीव, ईपी केम जतिन बजाज एंड उसने बोला कि नहीं आप ऐसे नहीं जा सकती है वो करके, उन्होंने वहाँ पर गेट बंद कर दिया। आई वॉज रिवर्सिंग माई कार, गेट बंद कर दिया। ये सब CCTV में फुटेज में रिकॉर्ड है। उन्होंने गेट बंद कर दिया एंड ही वॉज नॉट लेटिंग मी गो एंड ही आस्क्ड मी टू टॉक टू सोहेल रमानी। मैंने सोहेल से फ़ोन पे बात किया, ही सेड के रुको मैं आता हूँ। मैंने कहा अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इट्स ऑलरेडी 11:45, मैं घर पहुँचते पहुँचते 12:30-1 होगा। मैंने बोला है कि 1 बजे मेरे घर की बिल्डिंग की होली खत्म हो जाती है, मुझे मेरी बेटी के साथ एक थोड़ी देर आधा घंटे तो मैं मेरी बेटी के साथ होली खेलूँ। तो उसने बोला नहीं नहीं आप रुको। मैंने कहा मैं नहीं रुकूंगी। मैं गाड़ी पीछे रिवर्स करने लगी तो जतिन ने दरवाज़ा जो बंद किया था उसको लगा दरवाज़ा टूट जाएगा क्योंकि गाड़ी हल्की सी बैंग हुई होगी, हालांकि मेरी गाड़ी में कुछ नहीं है। दैट मीन्स कि वहाँ गेट में भी कुछ नहीं है। शुरू से इन लोग बोल रहे हैं CCTV में ये रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड है, तो लाओ ना CCTV, दिखाओ तो CCTV, लेट्स जस्ट सी वॉट इज़ देयर इन CCTV, आप दिखा क्यों नहीं रहे। तो जैसे ही मैं बाहर निकलने लगी, हमारे जो ऑपरेशन हेड है सोहेल रमानी वो सडनली आए। उन्होंने मेरी कार का दरवाज़ा खोला और बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि क्या नाटक कर रही हो, अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बोला तुम क्या करोगे, मुझे रिप्लेस करोगे? आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रोन आउट इन प्रेगनेंसी।
मुझे बोला भी नहीं गया था, मुझे बिना बोले रिप्लेस कर दिया गया था, मुझे इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी थी। और क्या करोगे, तुम मेरा पैसा रोक लोगे, ओके डन है, नीला टेल फिल्म्स को मेरी तरफ से वो पैसे, और तुम्हारा जो काम बचा हुआ है कंटिन्यूटी का, आई विल कम एंड डू दैट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बोल के मैं जाने लगी तो उसका ईगो इतना हर्ट हो गया कि ऐसा तो किसी को हुआ नहीं यार, आज तक सबके पैसे रोके, बड़े बड़े सब एक्टर्स के रोका, सब ये ऐसा जवाब देके जा रही है। ही जस्ट सडनली शट माई यू नो कार डोर, उसने जोर से चिल्लाया 4 बार गेट आउट गेट आउट गेट आउट करके, ये सब CCTV पे है, विच दे आर नॉट गिविंग ऑब्वियसली। इसके बाद मैंने बोला कि चलो मैं इस जगह से निकल गई हूँ, आई डोंट वॉन्ट आगे इसमें किसी से कोई रिलेशन, मुझे मेरा पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ काम भी नहीं करना, इतना दब दब की जिंदगी, यू नो ये 2019 से स्पेशली इतना दब के काम कर रही हूँ मैं, बिना मतलब कि हर चीज़ सिर्फ सुन रही हूँ, देर इज़ नथिंग इन दिस प्रोडक्शन हाउस विच लाइक गिव्स मी हैप्पीनेस। ऑफकोर्स एक जो हमारे एक्टर्स का बॉन्डिंग था दैट वॉज गुड, बाकी इन लोग का कोई दिल नाम की चीज़ नहीं है इन लोग के पास। एनीवेज तो मैं वहाँ से निकल गई, मुझे लगा भी बात ख़त्म हो गई, और इन्होंने भी कोई कॉल टाइम मुझे नहीं दिया, ना मुझे कॉल किया, ना मुझे मैसेज किया, ना मुझे कोई व्हाट्सएप मैसेज किया कॉल टाइम के लिए कि आपका शूट है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, नथिंग नथिंग। मुझे सब एक्टर्स फ़ोन करते रहे कि जेनी तुमको जाके आसिफ मोदी को बताना पड़ेगा क्या हुआ। मैंने कहा उन्होंने आज तक सुना है, वो जो सोहेल और जतिन बोलते हैं बस वो उतना ही सुनते हैं, वो एक्टर का तो सुनते ही नहीं है कि ये सब मेरे यू नो चमचे हैं, ये सब मेरे टुकड़ों पे पड़े हुए हैं। अगर वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं मुझे, उनको बोलने का मतलब क्या, वो नहीं उनको नहीं लग रहा एक लड़की को एक लेडी को निकाला गया है गेट आउट 4 बार करके, ये सोहेल ने नहीं बताया, उनको नहीं बताया गया कि एक लेडी को दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। अगर ये सब चीज़ें हुई हैं तो आसिफ मोदी हैज़ टू कॉल मी कि क्या हुआ, लेकिन वो क्या कॉल करेंगी क्योंकि वो खुद ही उसमें शामिल हैं। तो मैंने बोला मैं कुछ नहीं करूँगी, ये 7th of March 2023 की बात है, एंड देन 24th of March आई गॉट अ नोटिस फ्रॉम सोहेल रमानी सेइंग दैट हमारा ये नुकसान हुआ है, मेकअप हेयर राइटर्स एक्सरवाइजर ये सब चीज़ों को हमको भुगतान करना पड़ेगा आपको, और आप एक हफ्ते के अंदर इस चीज़ का जवाब दो, नहीं तो बहुत सारा हम आपको पे ना जो भी इल्ज़ाम उन्हें हम लगाए कि हम बहुत सारे आपको पैसे देने पड़ेंगे वो। तो मैंने फिर मैं आई कॉन्टैक्टेड माई लॉयर अमित खरे हु इज़ फ्रॉम नागपुर, ही टोल्ड मी के जेनी तुम जो भी था 15 साल का सब लिखो। मैंने 15 साल का लिखा जिसमें 2019 तक का तो ऐसा सच मेजर कुछ नहीं था एक्सेप्ट कि आई वॉज थ्रोन आउट इन प्रेगनेंसी एंड माई फादर की डेथ पे उन्होंने 4 दिन बाद मुझे शूटिंग के लिए बॉम्बे बुला लिया था, जब एंड माई होल फैमिली नीडेड मी, वो भी सिर्फ एक तिरंगा झंडे को सैल्यूट करने के लिए, सिर्फ खड़े हैं हम 2 दिन और उसके बाद 12 दिन मुझे छुट्टी दी थी, एंड दैट टाइम आई वॉज प्रेगनेंट टू। सो दिस वॉज 2013 एनीवेज, तो वो सब तो मैं भूल के कि चलो ठीक है ये छोटी मोटी चीज़ें हैं इसको अवॉइड करके आई केम बैक, एंड 2019 में जो सोहेल ने किया है कि फ़ोन पे मेरे साथ गाली गलौज किया, इट्स अ वेरी बिग इंसिडेंट, मतलब इट्स अ डिटेल इंसिडेंट, इतना मेरे को बोलने का अभी मन नहीं है क्योंकि व्हेन एवर आई से आई हैव टू गो थ्रू ऑल द ट्रॉमा दैट इज़ यू नो मैंने जो सहन किया है, तो मैंने कुछ पासपोर्ट के इशू के कारण सोहेल ने मुझसे गाली गलौज किया था, एंड दैट टाइम माई हस्बैंड टोल्ड मी कि जेनी स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिस पर्सनस कॉल, ये कितना चिल्लाता है, कितना गाली गलौज करता है, किस तरीके से बात कर रहा तुमसे, हु इज़ गिवन हिम द अथॉरिटी टू टॉक टू यू लाइक दिस। उस दिन मैंने 31st of October 2019 को मैंने फर्स्ट कॉल रिकॉर्ड किया था सोहेल का, एंड उसके थोड़े दिन में जतिन का फ़ोन कॉल आया, वो रिकॉर्ड किया मैंने। इस तरीके से फिर मैंने कई बार मेरी कॉल रिकॉर्ड करती थी, आसिफ जी ने जो एक बार किया था 2018 की बात है, जो ये पासपोर्ट वाला इंसिडेंट 2018 की बात है, 2019 में आसिफ मोदी ने जो मुझे कुछ चीज़ें बोली थी सिंगापुर में सेक्सुअल रिमार्क्स, एंड मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, मतलब मुझे लगा मुझे नहीं काम करना यहाँ पर यार, बहुत हो गया, एंड आई वॉन्ट टू लीव दिस सीरियल, एंड मैंने सोहेल को बोला कि मुझे सीरियल छोड़ना है, जिसके लिए उसने मुझे बहुत सुनाया बहुत धमकाया कि हम आपका पैसा रोकेंगे, 6 महीने तक आपको काम करना पड़ेगा, आपका 4 महीने का पैसा रोक लेंगे, हम अपने हिसाब से बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे ये हमारे इस पर, ये सब चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डेड है, ये सब मुझे सोहेल ने बोली, और सिंटा में जाओ। सोहेल ने मुझे इतनी ऐसी धमकी दी कि मैं आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, हम कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो समझ सकते हैं, अदरवाइज स्ट्रेस तो होता है इंडस्ट्री में, नहीं तो आप यहाँ पर काम मत करिए, और बबीता भी आती है तो उसकी मम्मी का ऑपरेशन है तो भी मेरे से अपॉइंटमेंट लेके जाती है, मतलब उसकी मम्मी का ऑपरेशन कराना है तो भी वो ये ना गिड़गिड़ाएँ और बोलें कि भाई कर दो मेरी मम्मी का ऑपरेशन भी, चीज़ सोहेल के कहने पर हो। एनीवेज इस तरीके से बहुत सारी इंसिडेंट्स हुई बीच में, मुझे बहुत चिल्लाया गया कि आप प्रोडक्शन पे से आप गुस्से से बात नहीं करेंगी, क्योंकि इट्स अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट दैट हैपेंड दैट टाइम, जो जिसके कारण
यू नो लेफ्ट मी नोवेयर कि मुझे ये सीरियल छोड़ना है, लेकिन मुझे छोड़ने नहीं दिया गया, बहुत दबा दबा के बात को बंद कर दिया गया। और इसी बीच आसिफ मोदी का तो हमेशा से यू नो सेक्सुअल रिमार्क्स कुछ कुछ होते रहते थे कि अच्छी लग रही हो, सेक्सी लग रही हो, आ जाओ रूम में, घर में आ जाओ, ऑफिस में आ जाओ, विस्की पीते हैं, चलो चलते हैं बाहर डिनर पे कभी, ये सब ये बार 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 मुझे ही नहीं बहुत लोगों को वो करते हैं, सामने कोई नहीं आएगा वो अलग बात है। सो दैट हैपन कि आसिफ मोदी ने ये सब बोला, सोहेल ने इस तरीके से बेइज्जत करके निकलते हैं, गेट आउट करके बोला, एंड जतिन ने दरवाज़ा बंद किया। मेरे लॉयर ने मुझे बोला कि जेनी 15 साल का जो भी सब चीज़ें लिखो, मैंने जब उस चीज़ को लिखा गया तो माई लॉयर टोल्ड दिस इज प्योर केस ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट। आई सेड सेक्शुअल हरासमेंट इट्स अ वेरी बिग वर्ड, आई डोंट वॉन्ट टू यू नो, मुझे नहीं ये वो करना। उसने बोला कि जेनिफर दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग सेक्शुअल हरासमेंट, अगर कोई गाली गलौज भी करता है, चिल्लाता है, उल्टा सीधा बोलता है, गलत नज़र से देखता है, आँख मारता है, एनी थिंग लाइक दैट, दिस दैट कम्स अंडर सेक्शुअल हरासमेंट। तुम्हारा प्रोड्यूसर बार बार तुमको विस्की पीने और बोल रहे हैं होंठ कितने सुंदर है, किस करता हूँ, ये सब फालतू की बकवास कर रहा है। तुम्हारा प्रोजेक्ट हेड तुमको गेट आउट करके निकाल रहा है। तुम्हारा जो EP है वो तुमको दरवाज़ा बंद करके वहाँ पर से निकलने यू नो निकलने नहीं दे रहा है। इस तरीके की चीज़ें इन लोगों ने और किसी एक्टर के साथ भी की है पहले, वहाँ पर वो बात को वहीं दबा दिया गया है, मतलब गेट बंद करके नहीं निकलने दिया गया, ये ऐसा किसी और के साथ भी हो चुका है। एनीवेज सो आई टोल्ड के मैंने फिर फाइनली, तो भी मुझे ये पंगा नहीं करना था, तो मेरे को करना होता तो मैं 7 मार्च को ही करती। मैंने सोहेल को ड्राफ्ट में ये सब चीज़ें लिख के भेजी, 15 साल का जो भी ना मेन, स्पेशली 2018 एंड 19 मेनली मैंने वो सोहेल को भेजा कि दीज आर द ग्रीवियंसेज, एंड उन्होंने मुझे मेल किया कि आप पैसा लूटना चाह रही हो इसलिए आप ये कर रही हो। सो ओके, सो देन दिस वाज ऑन 6th of April, देन 8th of April आई फाइल द केस, मतलब FIR मैंने वहाँ दर्ज करा दी, ऑनलाइन मैंने सब जगह पुलिस अथॉरिटीज़ को, पवई पुलिस स्टेशन एंड DCP, SCP, कमिश्नर, कलेक्टरेट एंड आई थिंक डेप्यूटी होम मिनिस्टर, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एंड ये सब जगह मैंने मेल्स और बाय पोस्ट रात को 11 बजे तक जाके VT स्टेशन के पास जो ग्रैंड पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाके मैंने सब भेजा, उन लोगों को मेल भी किया। एंड किसी ने एक महीने तक लेटर भी नहीं पढ़ा, मेल भी नहीं पढ़ा। तो दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स, के ठीक है मेल नहीं पढ़ा, आई अंडरस्टैंड, लेटर भी खोला भी नहीं, इतने सारे डिपार्टमेंट ने कहीं भी लेटर नहीं खोला, सब चुप रहे टिल द टाइम इट केम आउट इन मीडिया ऑन 11th of May। सो मैं अगर बोलना होता ना तो मैं 7th of March को ही बोलती, मैं चुप थी कि मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना इसमें। लेकिन हालांकि मुझे भगवान बार बार बोलते थे जेनी यू हैव टू टीच देम अ लेसन, आई वाज लाइक आई डोंट वांट दिस थिंग इन माय लाइफ। एनीवेज वो सब हुआ, मैंने फाइनली जब 10th of May को मुझे रिपोर्टर का फ़ोन आया तब मैंने उनको बताया सब चीज़, तो 11th of May को ये सब बाहर निकला, तब पहली बार मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, मतलब अभी तक कोई फ़ोन नहीं कुछ नहीं, क्योंकि नेचुरली पहले ही सब एक अपना इन्फ्लुएंसेस पहुंच गए थे उनके पास कि कहीं भी कोई चीज़, क्योंकि उनकी तो आसिफ मोदी सोहेल जतिन की तो इतनी हालत ख़राब हुई क्योंकि आसिफ मोदी ने मुझे फ़ोन भी लगाया एंड मैंने उठाया नहीं, उन्होंने अपने फ्रेंड के थ्रू भी मुझे फ़ोन लगा के घूस देने की बात की कि इसको बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ऐसा था तो कैसे फ़ोन लगवाया, उनके फ्रेंड के पास मेरा नंबर कहाँ से आया। वेन इट केम आउट इन मीडिया ऑन 11th of May, उसके बाद प्रोडक्शन हाउस ने आसिफ मोदी ने तो कोई कभी इंटरव्यू में बोला नहीं कुछ भी, बस यही बोला मैं झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूँ, तो झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूँ वो पता चलेगा क्योंकि आप मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते हो, गलत चीज़ है तो फिर मैं उसको कहीं भी मैं अपना तरीके से उस चीज़ को बाहर लाऊँगी, आप चाहे जो भी कर लो। सो तब मैंने 11th May को मेरे को प्रोडक्शन हाउस ने स्पेशली सोहेल ने एलिगेशंस लगाए कि मैं बहुत ही इनडिसिप्लिनड हूँ, डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ, एक्टर्स दूसरे एक्टर्स के साथ लड़ाई झगड़ा कराती हूँ, बहुत गाली गलौज करती हूँ, चिल्लाती हूँ सेट पे, कोई मेरे को पसंद नहीं करता। तो उस चीज़ का जवाब हमारे 14 साल से जो हमारे डायरेक्टर थे मालव राजड़ा ने दिया, जिसने दिसंबर से मैं सडनली सीरियल छोड़ दिया था। ही हैज़ हिज ओन स्टोरी वाई ही लेफ्ट, वो उनको जब लगेगा तब वो बोलेंगे।
क्योंकि ऑफकोर्स जैसे मुझे भी ग्रैटिट्यूड है, उसको भी मालव को भी ग्रैटिट्यूड है, बट द थिंग इज़ कि मालव टोटली टोल्ड दैट जेनिफर इज़ नॉट अब्यूजिव, जेनिफर इज़ नॉट टोल्ड यू नो इनडिसिप्लिन डिसऑर्गेनाइज, थोड़ा बहुत लेट सबको होता है, ये मालव ने भी बोला. उसकी वाइफ प्रिया जो रीटा रिपोर्टर का रोल प्ले करती है उसने भी बोला, एंड इवन दैट केस मोनिका भदौरिया ने भी बोला जो बाबरी का रोल प्ले करती हैं. तो इतने लोग सडनली सामने आ गए. अब सोहेल ने सडनली अपना स्टेटमेंट पलट दिया कि नहीं जेनिफर तो बहुत ही ज़्यादा मेरी तो बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड थी, मुझे हीलिंग के बारे में बहुत हेल्प करती थी, मेरी बीवी के यू नो डिलीवरी के टाइम पे भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, मेरे बच्चों का सब काफ़ी सारी हेल्प की है, एंड इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट चेंज. एनीवेज मैं 24th of May को गई पुलिस स्टेशन बिकॉज आई वॉज इन माई होम टाउन, बिकॉज माई ब्रदर एक्सपायर लास्ट ईयर, यंग ब्रदर, उसकी वाइफ को डिलीवरी होने वाली थी, जो मेरे भाई के मरने के बाद पता चला कि मेरी भाभी प्रेगनेंट है, तो वो फिर मैं उसके लिए नेक्स्ट मंथ मैं अप्रैल एंड मई में मैं जबलपुर में थी. व्हेन आई केम आई वेंट टू पुलिस स्टेशन, मुझे 6 घंटा बैठा के स्टेटमेंट लिखवाया गया मेरा, एंड सब स्टेटमेंट पुलिस वालों ने कटवा कट नहीं है इसको है ना इतना बड़ा है ऐसा नहीं करते, इसको इतना बड़ा फायर थोड़ा होता है, और इतना बड़ा कोई FIR लिखता है कि इसको छोटा करिए, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब अगर आसिफ मोदी का फ्रेंड फ़ोन कर रहा है मुझे घूस देने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट. अच्छा सेक्सी, अरे मैडम सेक्सी तो आपके लाइन में ओके है मैडम, ऐसे ही सब एक दूसरे को सेक्सी बोलते हैं, हाँ ठीक है ओके है, दैट इज़ वेरी राइट, इट इज़ ओके, बट किस निगाह से? एक तरीका होता है कि इस तरीके से आप बोल रहे हो सेक्सी लग रहे हो यार, सेक्सी लग रही हो यार अलग, या सेक्सी लग रही हो यार, किस तरीके से बोल रहा है सामने वाला, वो चीज़ नहीं दिखता है क्या? एनीवेज तो ये सब करके मैंने वहाँ पर 6 घंटे तक अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, एंड देन व्हेन आई वाज ऑन माय वे होम उनका वापस फ़ोन आया पुलिस स्टेशन से, वापस बुलाया गया, एंड दे आस्क्ड मी टू कॉम्प्रोमाइज़, के कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि जब तक मैं घर आ रही थी तब तक उनकी आसिफ मोदी से वहाँ बात हो गई थी कि करना क्या है, या जो भी मीडिएटर है जो जिसने बोला वो बात करना क्या है. तो उन्होंने बोला आप मांडवेली कर लो ये वो, मैंने बोला कि लेट मी थिंक, मैं आस्क्ड माई लॉयर, उसने बोला एक बार बात करके देख लो, उनने तुमको चांस नहीं दिया, तुमको पूछा नहीं, लेट गिव देम वन चांस. तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं मेरे लॉयर को मैंने बोला अभी मैं पूछती हूँ कि देखती हूँ कि क्या कर सकते हैं. तो वी अग्रीड फॉर अ मीटिंग, उसमें भी इतने टाइम तक दे केप्ट ऑन यू नो बाइंग टाइम. और इसमें मैंने सिर्फ एक जन का नाम लिखवाया था, गुरुचरण जो सोडी का रोल प्ले करते हैं, वो ही वॉज़ वन ऑफ द विटनेस जो सिंगापुर में हुआ है, जो आसिफ मोदी ने मेरे साथ उनको मालूम है, मैंने उनका नाम लिखाया है. सडनली 24th of May को नाम लिखवाया है, 8th of June को सडनली गुरुचरण को बुला के उनके 3.5 साल पुराने पैसे दे दिए जाते हैं, वो विटनेस ने अब नेचुरली नहीं बोलना है, ठीक है. देन आफ्टर दैट जब मुझे काफ़ी दिनों तक मतलब एफ आई आर नहीं कर रहे तो मुझे बोल रहे हैं मीटिंग करेंगे, मीटिंग करते हैं, एक बार मीटिंग कर लो आप पुलिस स्टेशन में, मीटिंग कर लो. मैं पुलिस स्टेशन में क्यों मीटिंग करें, एक न्यूट्रल जगह मिलते ना, तो उनको न्यूट्रल जगह नहीं मिलना था, जो भी कुछ मीटिंग नहीं हो रही है, कुछ बात नहीं हो रही है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे. तो फाइनली मैंने 19th of June को जाके उनको पुलिस वाले को चिल्लाया, मैंने बोला कि अगर आज FIR फाइल नहीं है तो देखना. देन उनने बोला रात को आप आइए, हम क्योंकि लेडी इंस्पेक्टर नाइट ड्यूटी पे. तो मैं शाम को 7 बजे गई हूँ, रात को 12:30 बजे तक FIR फाइल होते रहे, जिसमें मैंने बाकी 2 विटनेस गुरु मंदार और मुनमुन का नाम दिया. अब दो आई न्यू फॉर श्योर मंदार और मुनमुन नहीं बोलेंगे, बिकॉज दे वर्क स्टिल वर्किंग देयर, जो वहाँ काम करता है कोई नहीं बोलता है उसके प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ. मैं भी नहीं बोलना चाहती थी, आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल. यहाँ पर ही मुझे फोर्स कर रहे हैं, शुरू से लेकर अभी तक फोर्स कर रहे हैं जस्ट टू टेक अ स्टेप. मैं FIR भी फाइल नहीं करना चाहती थी, मैं कोई इनके खिलाफ नहीं जाना चाह रही थी, ये सडनली मुझे बार बार हर चीज़ में डरा धमका के उनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने शैलेश जी, गुरुचरण, भव्य, राज, मोनिका, ये सबके पैसे रोके हैं, उस तरीके से मेरे साथ भी करेंगे, मैं चुप रहूँगी. लेकिन ठीक है, मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, मैं तो ये चीज़ को ख़त्म नहीं होने दूँगी, दुनिया में चाहे कुछ हो जाए, दिस इज़ माई लाइफ पर्पस नाउ, कि आई विल मेक श्योर वॉट एवर हैपन्स. आप कितनी भी जगह पैसा खिला दो, कुछ कर दो, लेकिन भगवान का जब न्याय होता ना, उसके सामने कोई बात नहीं टिकती है. सो FIR फाइल हुई, उसके बाद मैंने उनको बोला भी ये मोनिका का स्टेटमेंट ले लो, और एक दो जन का कुछ चीज़ें बोली, पुलिस वाले वर नॉट यू नो डूइंग एनीथिंग. ये सब बहुत टाइम तक होते रहा. फाइनली एक दिन जाके मैंने चिल्लाया है July 1st week में पंचनामा के लिए, तो पंचनामा किया गया. उसमें भी मैंने जो पूरे ऑडियो प्रूफ दिए थे, यू नो भगवान कैसे हेल्प करता है, कि मैं तो मुझे मालूम ही नहीं था कि ये जब 31st of October 2018 को अगर मेरे हस्बैंड बोला था ये फ़ोन कॉल रिकॉर्ड कर सोहेल का, और ये ऐसे काम आएगा.
और वो भी मैं घर जब आई और मैं जब तारक मेहता छोड़ दिया अभी 7 मार्च को, तब मैं घर पे मेरे बेटी के बचपन के ऑडियो सुन रही थी, उसमें मुझे सडनली ये मिल रहा है इतने सारे फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग। भगवान चाहता है क्योंकि वो सब कुछ सबके सामने सच का यू नो सच सामने लाना, पर्दा हटाना। तो मैंने ये सब ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पुलिस स्टेशन में दिया, उन्होंने बहुत ज़रा ज़रा सा उसमें लिया पंचनामा में, एंड उसके बाद से अभी तक कोई कुछ नहीं। उसके बाद से मैं DCP से जाके मिल सकी हूँ, ACP से जाके मिल चुकी हूँ, कहीं पर कोई चीज़ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बोला कि जेनिफर 15 दिन के अंदर विल फाइल द चार्जशीट, वो 15 दिन हो चुके हैं, कोई चार्जशीट फाइल नहीं। पुलिस स्टेशन में तो ऑलरेडी मैं 1.5 महीने पहले बोल के आई थी कि मेरे को इसमें क्या आगे हो रहा है, बोले हाँ हाँ 15 दिन में चार्जशीट फाइल होगी। ये चीज़ सब चीज़ क्यों नहीं हो रही है? मतलब मुझे ACP DCP ऑफिस में सब जगह बोला जा रहा है कुछ करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग मुझे बोलते थे कि ओके तुम अभी ऐसे यहाँ सब मीडिया में क्यों आ रही हो, इसको पुलिस में जाके बोलो, तो पुलिस ऐसा कर रही है। ठीक है, मीडिया में भी मैं नहीं गई थी, पुलिस स्टेशन तो नेचुरली FIR तो करना ही था, तो वहाँ पर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही क्योंकि उनका मुँह बंद कर दिया गया है, या तो पैसों से या तो पावर से। दूसरी चीज़ के मतलब ACP DCP हर जगह जितने जगह नहीं, ये सब जगह इन लोग यू नो दे आर क्वाइट, इन लोग कोई चीज़ एक्शन नहीं ले रहे। तीसरी चीज़, कलेक्टर ऑफिस से और महिला विकास बाल अधिकारी इनकी तरफ से असित मोदी को लेटर गया था कि आप ICC करके कमेटी बनाई है, तो ICC करके जब इन्होंने कमेटी बनाई उन्होंने अपने ही मेम्बर्स रखे। अब जो इनके यहाँ के जो मेम्बर्स हैं, मतलब 15 साल से एक सीरियल चल रहा है, इतनी लेडीज़ उसमें काम करती है, उसमें कोई यू नो ICC करके इंटरनल कंप्लेंट कमेटी करके कोई एग्जिस्टेंस में नहीं थी। सडनली कमेटी बनाते हैं, इनके मेम्बर्स को लेकर और मुझे मेल वेल भेजते हैं कि हम आ जाओ, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लॉयर को नहीं लेकर आना, हम लोग सब चीज़ ठीक कर देंगे, आपके पास जो भी प्रूफ है ले आओ। मतलब व्हाई विल दोज पीपल हु आर वर्किंग फॉर असित मोदी विल यू नो कैन गिव मी जस्टिस? तो इसमें भी जो ये पोस्ट के अंदर आया था ये पूरा रद्द हो गया क्योंकि इन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं इधर से उधर यू नो मेरी बच्ची को घर पे छोड़ के मैं और मेरा हस्बैंड बाइक पे इधर उधर सब जगह जा रहे हैं, नॉट इवन 1 पर्सन इज देयर हु इज सेइंग कि ओके बॉस दे आर नॉट रेडी टू टेक माई ऑडियोज, दे आर नॉट रेडी टू यू नो। अब मैं उस ऑडियो को किस तरीके से रिलीज करती हूँ, दैट इज़ अप टू मी। उन ऑडियोज को अगर यू नो कोर्ट में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन में नहीं लेंगे, कोर्ट में नहीं लेंगे, मुझे बोला गया 15 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होगी, ये मुझे 5 सितंबर को बोला गया था, आज देख लीजिए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो अगर वो मेरा किस तरीके से मेरे प्रूफ्स नहीं ले रहे हैं, तो आई हैव माई ओन वे टू यू नो टेक आउट शो दैट प्रूफ टू द वर्ल्ड। मैं ये करना नहीं चाहती पर मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज जो कहते हैं ना मोटे बेशरम हैं इन लोग, ऐसे नहीं सुधरेंगे। कम से कम फिर लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ क्या कौन गलत है कौन सही।